दोस्तों पीसीबी के बाद आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे आपको रेड बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, इस पर आपको क्लिक करना है। पास इस बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड करनी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और वीडियो आप संपूर्ण देख पाएंगे। चलिए दोस्तों आपको नोटिफिकेशन बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कार्य जिला निर्वाचक अधिकारी पंचायत कलेक्टर चूरू। दोस्तों यहाँ पे कलेक्टर माननीय कलेक्टर साहब ने यहाँ पे आदेश दिए दिनांक 13/1/2020 को यहाँ पे जो विकास अधिकारी पंचायत समिति सुजानगढ़ बिदासर सरदार से यानी कि इनके जो चुनाव की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इनके जो जो रख रखाव के लिए जो मतदान आएंगे जो दोस्तों यहाँ पे ग्राम पंचायत संस्था पंच सरपंच के आम चुनाव मतदान दलों की व्यवस्था के संबंध में जो मतदान आएंगे जो वहाँ पे ठहरेंगे उनकी व्यवस्था के लिए जो नोटिस जारी किए गए इन्होंने आदेश दिए, क्या क्या आदेश दिए और क्या क्या उनकी वहाँ पे चीज होने की है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे मतदान वहाँ पे आपकी यानी ड्यूटी लगती है मतदान केंद्र में तो आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। तो हम बता दें आपको यहाँ पे क्या चीजें उपलब्ध है। यहाँ पे उपरोक्त विषय अनुगत लेखन है कि पंचायत राज्य संस्थाओं पंच एवं सरपंच के आम चुनाव 2020 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मतदान संबंधी व्यवस्थाएं निम्न अनुसार की जाने सुनिश्चित करें, यानी कि जो सर्दी का मौसम चल रहा है और मतदान केंद्र पे जो मतदाता वो जो होंगे यहाँ पे मतदान करवाएंगे जो वहाँ पे जो तो उनकी जो रखरखाव के लिए जो व्यवस्था यहाँ पे की गई कुछ बिंदु हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जो फर्स्ट बिंदु आता है ब्लॉक के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दल के प्रत्येक सदस्य के लिए बिस्तर इत्यादि के समुचित व्यवस्था की जाएगी, यानी जो बिस्तर उनके लिए उनकी व्यवस्था की जाएगी जो सदस्य है मतदान के जो जाएंगे वहां पे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान दल के लिए बाल्टी मग्गे एवं पानी गर्म करने की व्यवस्था की जाएगी। और तीन नंबर भी हम आपको बता दें मतदान केंद्र पर शौचालय की सफाई टंकियों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जावे, इसके लिए आवश्यक है कि उपलब्ध पानी की टंकी या पानी का अन्य साधन का पूर्व अवलोकन करें, यदि सफाई की आवश्यकता है तो तत्काल सफाई करवाई जाए। दोस्तों फोर्थ नंबर पे आ जाता है मतदान दलों के लिए शुक्ल भोजन व्यवस्था चाय नाश्ते की उचित व्यवस्था पूर्व ब्लॉक पंचायत के लिए एक दर पर सुनिश्चित करने की व्यवस्था करवाए। उक्त व्यवस्था हेतु MD MS कार्यालय महिला एवं अन्य एजेंसी की वार्ता कर दर निश्चित कर अवस्था की जावे। और पांच नंबर पे बताते हैं हमको प्रत्येक केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान दिवस में बैठने की व्यवस्था करवाए, यानी जो भी जो मतदान करने जाएंगे वो अगर विकलांग है तो उनके बैठने के लिए वहाँ पे व्यवस्था की जाने के लिए कलेक्टर साहब ने यहाँ पे आदेश दिए हैं। और सात नंबर पे आ जाते हैं प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान दलों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। और समस्त विकास अधिकारी अपने स्तर पर उक्त व्यवस्थाओं हेतु एक प्रभारी अधिकारी कार्मिक नियुक्त करें, यानी एक अधिकारी वहाँ पे नियुक्त करेंगे वो जो उनकी देखभाल करेंगे ये चीजों को यहाँ पे कम्प्लीट वो करवाएंगे। उसका नाम उपनाम व मोबाइल नंबर जारी कर पाबंद पत्र इस कार्यालय को दिनांक 15/1/2020 तक भिजवाए सुनिश्चित करें, यानी कि आपको ये वहाँ पे सुरक्षा उनको दिलवा रही उसके लिए आप वहाँ पे एक आदमी को चुन सकते हैं और उनका नाम मोबाइल नंबर कलेक्टर साहब को यहाँ पे भेजना होगा कि इस बंदे को हमने रखा है और उसकी जो पगार है उस हिसाब से मिल सके और वो कार्य यहाँ पे संभाल सके। इसकी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के चुनाव कार्यक्रम अनुसार तृतीय चरण में 19 जनवरी से 21 जनवरी 2020 तक रिटर्न अधिकारी व उनकी सहायतार्थ नियुक्त मतदान अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु दो दो अधिकारी कर्मचारी नाम निर्देश पत्र प्राप्त करने उनकी समीक्षा वापसी प्रत्येक चिन्हों का आवंटन संबंध कार्य करने अतः दिवसों की आवश्यकता अनुसार सुनिधि व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। तो यहाँ पे निर्देश न्यायालय संदेश नायक जिला निर्वाचक अधिकारी पंचायत कलेक्टर चूरू। तो दोस्तों कलेक्टर साहब ने आदेश दिए ये चीजें होनी चाहिए जहाँ पे जो मतदान वाले जाएंगे जो मशीनें वहाँ पे रखेंगे किस तरह से मतदान करना है वो उंगली पे शाही वगैरह लगाते हैं उनके लिए सब ये चीजें उपलब्ध वहाँ पे करवानी सुनिश्चित करें, इसलिए यहाँ पे ये जारी किया पत्र। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपकी जानकारी पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों चूरू जिले के अंदर सुजानगढ़ बिदासर सदासर के ये चुनाव होने वाले हैं और इनकी घोषणा डेट भी पहले भी आ चुकी थी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जानकारी पसंद आएगी, पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।